नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने जनपद सीओ नईगिड़ी को रंगे हाथों दबोचा। जी हां, जनपद में लगे वाहन का बिल के भुगतान के बदले मांगी थी रिश्वत। आपको बता दें, लोकायुक्त एसपी गोपाल धाकड़ की टीम द्वारा जनपद पंचायत मऊगंज के सीओ शैलेश पांडे 13,000 की रिश्वत लेते दबोचे गए, जिन्हें अभी नईगिड़ी जनपद के साथ ही मऊगंज के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। रीवा जिले में महज 10 दिन के अंदर दूसरे घूसखोर सीओ को लोकायुक्त की टीम ने सफाया किया है। आपको बता दें, आवेदक शिवेंद्र कुमार पटेल ग्राम धनगन तहसील मऊगंज से नईगिड़ी सीओ द्वारा फरियादी की जून माह से वाहन का रुका हुआ बिल भुगतान करने और पुलिस में दर्ज शिकायत वापस लेने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसमें लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज शैलेश पांडे को नेहरू नगर रीवा स्थित किराए का आवास में 13,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आपको बता दें, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए नईगिड़ी जनपद सीओ का दागदार चेहरा लोकायुक्त की कार्यवाही में सबके सामने आ गया है। वैसे भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज जी की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कथनी और करनी में बड़ा ही भेद दिख रहा है, क्योंकि रीवा जिला में सत्ताधारी दल के संरक्षण में जिस तरह से भ्रष्टाचारी खूब फल फूल रहे हैं, उसी का प्रमाण है। नईगिड़ी जनपद में भ्रष्टाचार में सने मऊगंज जनपद के प्रभारी सीओ जनपद क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कह रहे थे, लेकिन किस तरह से उनके चौतरफा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हुए नईगिड़ी जनपद अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंज बिहारी तिवारी ने जांच की मांग किया है। यदि उसकी निष्पक्ष जांच हुई तो उससे पार पाना मुश्किल है। आपको बता दें, नईगिड़ी में भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर घिरे जनपद सीओ पांडे पर जांच की आंच आने से पहले मऊगंज का अतिरिक्त प्रभार देकर उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के लिए प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाला कदम उल्टा पड़ गया है। आपको बता दें, नईगिड़ी जनपद में सीओ पांडे के ऊपर नित नए नए आरोप लग रहे थे, जहां पर जनपद अध्यक्ष की माने तो 15 दिन के भीतर भ्रष्टाचार की नीयत से 4 लेखा अधिकारी बदले गए। वहीं उनकी जानकारी के बगैर 15 लाख से अधिक की राशि निकाल ली गई थी, जिससे अंततः उनके भ्रष्टाचार से भरा पापों का घड़ा लोकायुक्त की कार्यवाही में फूट गया। कार्रवाई में रहे शामिल उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह, परिहार निरीक्षक प्रवेंद्र कुमार, दो पंच, साक्षी सहित 20 सदस्य टीम। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। ये आपने शिकायत की थी, किस मामले में, कितना पैसा मांगा गया? सर, मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नईगिड़ी में, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, तो फिर बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला, सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। तो ये 4 महीने का बिल निकलवाए, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और धमका डरा धमका रहे थे कि पुलिस में बंद करा दूंगा साले, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे दो, तो 4,000 कल दिया और 13,000 आज दिया। आज कहाँ देने गए थे? आज सर इनके घर में देंगे। नेहरू नगर। कितने समय ये कार्रवाई हुई? शाम के 5:30-6 की। गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी थी, 2022। तब से यही प्रभाव में? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल। इनकी गाड़ी नईगिड़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे, और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे, टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है, आप मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए हैं, रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सर, ये कुछ थाने भी मामला पहुंचा था इनका, किसी मतलब गाड़ी वाड़ी को लेकर अभी फरियादी बता रहे थे। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से ही कुछ किटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर कि 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेकर चला गया, आ नहीं रहा है। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव डाल रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। ये पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है।
13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं।